नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त खबर असरदार का है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिलेगा। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोषणा हाल ही में की गई थी। चुनावी साल में 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की घोषणा को सियासी चाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार ने हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बाद पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव के साथ ही कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया। सबको मिला दें तो इस साल यानी 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया गया है। 2023 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। कहा जाए तो साल 2023 में भारत रत्न नहीं दिए जाने के कारण इस साल यानी 2024 में पिछले साल का बैकलॉग क्लियर किया गया है और इस बार 5-5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा कर दी गयी। पहले 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर, फिर 3 फरवरी को लालकृष्ण आडवाणी, 9 फरवरी को ही चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा के साथ हर समीकरण को साधने की भी कोशिश की है। शुक्रवार को जिन 3 हस्तियों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार देने का ऐलान किया गया, उनमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे पहले आता है। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। किसानों के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान रही। जमींदारी प्रथा उन्मूलन में काफी अहम योगदान रहा। वित्त मंत्री के तौर पर आर्थिक सुधार में इनका योगदान सराहनीय रहा, जबकि नाबार्ड की स्थापना में भी इन्होंने अहम योगदान दिया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें पीएम थे। अर्थनीति में खुलेपन के वे सूत्रधार रहे। मुश्किल दौर में देश की कमान संभाली थी, उदारीकरण की नीति लाई। देश में लाइसेंस राज की समाप्ति में इनका अहम योगदान रहा। नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। देश में हरित क्रांति लाने वाले एमएस स्वामीनाथन की गिनती देश के मशहूर कृषि वैज्ञानिक के तौर पर होती है। खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। गरीब किसानों के लिए इन्होंने काफी काम किया। यही नहीं, पद्म भूषण मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके थे। चुनावी साल में इन बड़ी हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर केंद्र सरकार ने अपने इरादे जता दिए हैं। पीएम मोदी ने बता दिया है कि सच्चे मायने में देश की हस्तियों को उचित सम्मान देना ही असली न्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन की कैंटीन में अलग अलग राजनीतिक दलों के 8 सांसदों के साथ लंच किया। लंच के प्लान से पहले पीएमओ की तरफ से इन 8 सांसदों के पास फोन गया था कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। पीएमओ से फोन के बाद 8ों सांसद प्रधानमंत्री दफ्तर पहुंचे, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि क्यों बुलाया गया है। इस दौरान इन सांसदों से पीएम मोदी ने कहा कि वो उनको एक सजा सुनाते हैं। फिर प्रधानमंत्री सभी को अपने साथ संसद की कैंटीन लेकर गए और लंच किया। पीएम मोदी के साथ लंच करने वाले सांसदों के नाम एल मुरुगन, रितेश पांडे, हीना गावित, कोनियाक एन प्रेमचंद्रन, समित पात्रा, राम मोहन नायडू और जामयांग सेरिंग नामग्याल है। पीएम मोदी के साथ सांसद करीब 1 घंटा तक कैंटीन में रहे। इस दौरान सांसदों ने प्रधानमंत्री से उनके अनुभवों के बारे में पूछा तो पीएम मोदी ने उनसे निजी अनुभव और सुझाव शेयर किए। पीएम मोदी ने सांसदों से बातचीत करते हुए कहा कि वो भी एक आम इंसान हैं और हमेशा एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं रहते हैं। पीएम मोदी के साथ लंच करने वाले सांसद ने यह भी बताया कि लंच का बिल भी प्रधानमंत्री ने ही पे किया। सो पीएम साहब के साथ आज बहुत बढ़िया लंच खाए थे मैंने। मेरे के साथ 8 MPs थे,
सारे एमपी, नॉर्थ ईस्ट से एक एमपी है, लद्दाख से एक एमपी है, साउथ से एक एमपी, सारे पार्टी से, नॉट ओनली बीजेपी, ऑल पार्टीज एमपी आर देयर। मालूम है हमारा कैंटीन में खाना था, चावल था, खिचड़ी था, एक पनीर का सब्जी था, एक दाल था, थोड़ा दोस्त मिल्लट का, रागी का स्वीट था, तिल का स्वीट था, बहुत बढ़िया खाना था। आफ्टर फूड और रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर ने बिल आल्सो पे किया सबको, हमारा प्रधानमंत्री जी ने बिल पे किया, बहुत खुशी है। वी आर ऑल गेट वेरी इमोशनली, इट्स एन आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माई थाट्स आल्सो। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पार्टी के बड़े नेता गांव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का सूत्र बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत गुना जिले के गांव से की। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर सवाल पूछ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ग्रामीण मतदाताओं पर है। चलो गांव की ओर अभियान का नारा देकर बीजेपी नेता शहर छोड़ गांव का रुख कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। वीडी शर्मा ने अभियान की शुरुआत के लिए दिग्विजय सिंह के गढ़ को चुना। वीडी शर्मा गुना जिले में राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आवन गाँव पहुँचे, यहाँ ग्रामीणों के साथ 24 घंटे बिताए, चुनाव, सरकार और विकास की योजनाओं पर ग्रामीणों से चर्चा की। सुबह गांव के मंदिर में पोछा लगाया, गांव में झाड़ू लगाया और ग्रामीण छात्रों के साथ योग अभ्यास भी किया। नहीं है, जलवा सब खत्म हो गए, जनता ने सब खत्म कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में परिवारवाद को खत्म कर दिया है, राधोगढ़ का भी परिवारवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। जनता की यहाँ की डिमांड है और जनता इस बात को चाहती है, और न यहाँ किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़। आवन गांव में बैठकर वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के गढ़ को नकार दिया। लगे हाथ इसी गांव से प्रदेश के आदिवासियों को संदेश दिया कि आजादी के बाद से मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने आदिवासियों के बारे में सोचा, उन्हें सम्मान दिया और उनके विकास के लिए संजीदा है। आदिवासी भाई और बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से उनके उत्थान के लिए काम किया है, चाहे पैसा एक्ट कानून की बात हो, चाहे आदिवासी समाज को गौरव दिवस के माध्यम से सम्मान देने की बात हो, आदिवासी क्रांतिकारियों को भारत के अंदर मान सम्मान से लेकर के उन्हें स्थान दिलाने की बात हो। गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी शहरी वोटर्स के साथ ग्रामीण मतदाताओं को साधने का अभियान चला रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता पक्ष के अभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस बीजेपी के अभियान, दावे और वादे को हवा हवाई बता रही है। प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को झाबुआ आ रहे हैं मेरी विधानसभा में, उनका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि जब वो आए तो आदिवासियों पर पूरी ताकत से अपनी बात रखे और सिर्फ भाषण तक सीमित ना रहे, और जिस तरह से जल जंगल जमीन का अधिकार और पैसा कानून कमजोर करने का काम भाजपा सरकार ने करा है, ये निश्चित तौर पर इस चीज पर उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए। एमपी में सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए सियासी दलों का दांव पेंच जारी है। बीजेपी का गांव चलो अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है। पार्टी एक तरफ ज्वाइनिंग अभियान के जरिए विरोधी दलों के नेताओं का अपने पाले में खींच रही है, वहीं गांव चलो अभियान के जरिए ग्रामीण मतदाताओं को अपने पाले में कर कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों की सियासी जमीन छीन लेना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी आलोचनाओं और बैठकों के दौर से आगे निकलती नजर नहीं आ रही। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18, मध्य प्रदेश। आम चुनाव से पहले एक तरफ बीजेपी गांव चलो और बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा शुरू हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रहती है, आज भी उठा रही है। कांग्रेस कह रही है संघ प्रमुख का दौरा बीजेपी को चुनाव में मदद पहुंचाने के लिए है, तो बीजेपी इसे गैर राजनीतिक दौरा करार दे रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा शुरू हो चुका है। मुरैना में प्रांतीय के लिए भागवत ग्वालियर पहुंचे और उनके पहुंचते ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।
विपक्ष का सवाल है, चुनाव से पहले संघ प्रमुख एमपी का दौरा क्यों करते हैं? उनका दौरा सांस्कृतिक नहीं राजनीतिक है। चुनाव से पहले वो प्रदेश में आते हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। लोकसभा चुनाव है तो एक बार फिर संघ प्रमुख एमपी दौरे पर आए हैं। अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे करके आरएसएस ने लोकसभा चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और ये भी संभव हो सकता है कि मोदी की जी की जगह मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हों। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाया और बीजेपी की तरफ से एक बार फिर जवाब भी दिया गया है। जवाब वही पुराना है, संघ और संघ प्रमुख का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। संघ सांस्कृतिक संगठन है जो भारतीय मूल्यों का प्रचार प्रसार करता है और बेहतर जीवन जीने की सीख देता है। राजनीतिक गलियारे में चाहे जो भी चर्चा हो, लेकिन अपने कार्यक्रम के हिसाब से संघ ने मध्य प्रदेश को 8 भागों में बांटा है। राजगढ़, विदिशा, गुना, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, शिवपुरी और मुरैना, जहां संघ का प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है। अब संघ के सम्मेलन का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होता है, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव तक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने बजट पेश किया। ये पहली बार था जब विधानसभा में डिजिटल बजट पेश किया गया। अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी की थीम पर पेश किए गए इस बजट में हर वर्ग पर फोकस रहा। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। ये बजट प्रदेश को विकासशील से विकसित राज्य बनाने की दिशा में बताया जा रहा है। साल 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का लक्ष्य है। अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी की थीम पर पेश किए सरकार के बजट में हर वर्ग पर फोकस रहा। हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सरकार ने ज्ञान को आधार माना है। सरकार का मानना है कि ज्ञान के आर्थिक विकास से प्रदेश का विकास होगा और छत्तीसगढ़ विकास की एक नई कहानी लिखेगा। हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। इस बार बजट पहले की तुलना में बड़ा है। बजट में मोदी की गारंटी से लेकर राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प है। चलिए आपको बताते हैं बजट में खास क्या है। 1,47,500 करोड़ का बजट, पिछले साल के मुकाबले 22% का इजाफा, अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी की थीम, बजट में मोदी की गारंटी की छाप, राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का संकल्प, 5 साल में GDP दोगुना करने का लक्ष्य, 400 यूनिट तक बिजली बिल होगा आधा, बजट में नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स, गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस। पिछली सरकार ने गड़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा और नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। इन्होंने कहा गड़बो नवा छत्तीसगढ़ और नतीजा निकला बोरबो छत्तीसगढ़। हम गड़बो से पहले करबो पर ध्यान केंद्रित करेंगे अध्यक्ष महोदय, यही हमारा संकल्प। नई सरकार है, नया बजट है और प्रदेश की जनता को भी नई उम्मीदें हैं। सरकार ने अगले 5 साल में प्रदेश की GDP को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 10 पिलर्स निर्धारित किए गए हैं जो प्रदेश को विकासशील से विकसित बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात नेताजी के ठाट की। बाइक से चलने वाले नेताजी विधायक बनने के बाद अब कार की सवारी करने लगे हैं। जो विधायक पहले खुद को गरीब कहते थे, अब उन्होंने खरीदी है 30 लाख रुपए की कार।
बाइक पर सवार ये शख्स रतलाम के सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार हैं। चुनाव जीतने के बाद जब वो बाइक पर भोपाल गए थे तो सुर्खियां बनी। लोगों ने अब तक नेताओं को बड़ी गाड़ियों में घूमते देखा है, लेकिन विधायक बाइक की सवारी करे ये जुदा अंदाज था। लेकिन अब कमलेश्वर डोडियार भी कार पर नजर आएंगे। जी हाँ, विधायक जी ने कार खरीद ली है और वो भी पूरे 30 लाख की। कार खरीदने के लिए कमलेश्वर डोडियार ने 6 लाख रुपए नकद दिए हैं और बाकी लोन लिया है। यानी अब बाकी विधायकों की तरह कमलेश्वर डोडियार भी बाइक पर नहीं महंगी कार पर नजर आएंगे। कार खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी, विधायक कमलेश्वर डोडियार ने इसकी वजह भी बताई। उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण है, ऐसे में हर जगह बाइक से जाना संभव नहीं और यही वजह है कि उन्होंने कार खरीदी। मेरे पास खुद का फोर व्हीलर वाहन की व्यवस्था नहीं थी, कार नहीं थी मेरे पास। मोटरसाइकिल से अपने फील्ड में रहने के दौरान, लोगों के बीच में जाने के दौरान, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए क्षेत्र में जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल से काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं फोर व्हीलर की व्यवस्था मैंने की है। मैंने फाइनेंस करवाई है, 24,72,000 का फाइनेंस मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करवाया है, भोपाल की ही ब्रांच से। 6,11,000 का मैंने डाउन पेमेंट की व्यवस्था करवाई अपने दोस्तों की मदद से। और अभी मैं फोर व्हीलर से अपना विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाका है। चुनाव के वक्त कमलेश्वर डोडियार ने बताया था कि वो बेहद गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, टिफिन बांटकर अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन अब विधायक जी के दिन फिर गए हैं, अब ये भी कार वाले बन गए हैं। सुधीर जैन, न्यूज 18, रतलाम। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद हो रही है काउंटिंग, जो रुझान और नतीजे सामने आए हैं उसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो रही, लेकिन जेल में बंद इमरान खान के निर्दलीय समर्थक लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कई केसों में जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन आवाम के बीच उनकी लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के जिस तरह नतीजे सामने आ रहे हैं उससे इमरान के समर्थकों का बोलबाला दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इमरान की पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया था, जिसमें इमरान खान के समर्थक नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक कई निर्दलीय जीत चुके हैं तो कई आगे चल रहे हैं, स्पष्ट जनाधार भी नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान में राज करने के मकसद से अपने मुल्क पहुंचे, लेकिन जादुई आंकड़े तक पहुँच पाना उनके लिए मुश्किल होता दिख रहा है। उससे निर्दलीय नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP को कड़ी टक्कर दे रही है। पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी इस पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा। वहीं जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आम चुनाव में जीत का दावा किया है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नतीजों में गड़बड़ी करने के लिए नतीजों में देरी की जा रही है। पाकिस्तान के आम चुनाव में लाहौर सीट से नवाज शरीफ जीत गए हैं, यहां उन्हें 55,000 वोटों से जीत मिली है। नवाज शरीफ लाहौर की NA 130 सीट से जीते हैं, लेकिन नवाज शरीफ मनसेहरा की NA 15 सीट से हार गए हैं। यहां निर्दलीय उम्मीदवार ने उनको शिकस्त दी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज लाहौर NA 119 सीट से जीत गई हैं। TPP नेता बिलावल भुट्टो जरदारी को चुनाव में जीत मिली है। बिलावल शहादात कोट सीट से जीते हैं। वहीं इस बार चुनाव में आतंकियों की भी भरमार है, लेकिन लाहौर की आवाम ने आतंकी हाफिज सईद को बड़ा झटका दिया है। तलहा नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, लेकिन वो हार गया। चुनाव नतीजों में देरी के बीच इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थक अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द नतीजे घोषित करे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं, बाकी सीटें आरक्षित हैं।
अब सवाल है कि अगर निर्दलीय पीजीआई समर्थक सरकार बनाते हैं तो इमरान खान का क्या होगा, क्योंकि अभी वो सलाखों के पीछे हैं। ये भी देखना अहम होगा कि क्या इमरान को कानून से राहत मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, सेना का साथ किसे मिलेगा, क्योंकि सेना की कृपा से ही यहाँ कमान मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।